रहे हैं आपके सोर्सेज क्या कहते हैं कि मिला रहे हैं साहब फैलिए से हैं, तो आप कहते हैं कि मेरे आई एस आई के अंदर भी सोर्सेज हैं, तो क्या कोई इस हवाले से इंफॉर्मेशन है? देखिए इमरान रियाज के इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और मैं हैरान हूँ कि जो सहाफ़ी हैं जो जहाँ बड़े बड़े नाम समझते थे सहाफ़त में, मैं तो उनकी खामोशी देख रहा हूँ और मुझे हैरत होती है कि क्या उनको ये समझ नहीं आ रही कि अगर इतने जो यूट्यूब में सबसे बड़ी जिसकी व्यूअरशिप थी अगर उससे ये कर सकते हैं, व्यूअरशिप का मतलब कि पब्लिक उसको फॉलो करती थी, तो अगर उससे ये कर सकते हैं तो फिर किसी से भी कर सकते हैं। और इस तरह की जो बिल्कुल मीडिया को बंद कर दिया है, ये तो कभी ज़िया उल्हक़ के दौर में था, ये मुशर्रफ के मार्शल लॉ में ऐसा नहीं था, वो तो लिबरल था, मैं ऑपोजिशन में था, हम हर टीवी पे हर जगह जा सकते हैं। खान साहब आप ये तो बिल्कुल ही इन्होंने ये तो बिल्कुल ही इन्होंने मीडिया को बंद कर दिया और जो सहाफ़ी बाहर चले गए, कितने बड़े बड़े नाम क्रेडिबल सहाफ़ियों के बाहर चले गए, उनके ऊपर बाहर केसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर इमरान रियाज का मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे खौफ है कि इसको उन्होंने तशद्दुद ना किया और इसलिए डर रहे हैं पब्लिक अदालत के सामने लाने की मेरी जदोजहद जारी रहेगी। तो लेकिन साथ आप कहते हैं कि आर्मी चीफ आपसे बात करें, तो ये कौन सी जदोजहद है जिसमें आर्मी चीफ बात करें तो मामला खत्म हो सकता है? सिर्फ एक चीज़, मुल्क हमारा तबाही की तरफ जा रहा है, मैं तो कोई किसी की मदद नहीं मांग रहा, ना मैं कोई मदद चाहता हूँ कोई इलेक्शन में मेरी मदद करे, ना मैं कहता हूँ कि मेरे कोई केसेस माफ़ करवा दें, ना मैं कहता हूँ कि मुझे बाहर भेज दें ECL से हटा दें, मैं तो इस मुल्क में वो लड़ूंगा सारे केसेस, मैं मुल्क के लिए मांग रहा हूँ कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इकॉनमी बैठ गई है, हमारी पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं उनको तबाह कर दिए हैं, मुल्क के इदारे तबाह कर दिए हैं, एक आदमी को बाहर रखने के लिए सारे मुल्क के इदारों को तबाह किया जा रहा है, तो मैं तो हमको उसकी बात कर रहा हूँ। मुल्क के लिए आप शाह महमूद कुरैशी की जो लोग लेके आए थे आपके पास उस पर नहीं अमल कर सकते? मेरे पास कोई चीज़ नहीं लेके आए। बातचीत की अभी मैं आपको बता दूँ, बातचीत से अभी नहीं, जब मेरी गवर्नमेंट हटाएगी तब भी हमने बातचीत जारी रखी, बाजवा से दो महीने मीटिंग्स की थी, एक कमेटी थी जो उनसे बातचीत कर रही थी, इसको भी ऑफर किया, आसिफ को भी बातचीत का, पॉलिटिशियन हमेशा बातचीत क्या करता है, वो और बात है कि उधर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा क्योंकि उनका कोई और वो उस लाइन पे चले हुए हैं कि इमरान खान माइनस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, उनका फैसला हुआ हुआ है। मेरा पॉइंट ये है कि ये कभी भी आप जब मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को माइनस करने की कोशिश करते हैं, आप जमहूरियत को माइनस कर देते हैं, और जमहूरियत का मतलब कि आज़ादी ख़त्म कर देते हैं, आज़ादी ख़त्म करने का मतलब मुस्तकबिल ख़त्म कर देते हैं। खान साहब, आसिफ अली जरदारी से मैंने पूछा आपके बारे में कि आपको आइसोलेट किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान को कोई साइड लाइन नहीं लगाया जा सकता, अल्लाह बादशाह है। गुज़िश्ता हफ्ते ही अभी ही नदीम अफसल चंद ने ये स्टेटमेंट दी है कि वो चाहते हैं कि आगे इलेक्शन में PTI के साथ बात